हेलो एवरीवन, आज हम गुजिया के होली की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनी है मावा गुजिया। मावा गुजिया देखिए, इसे तोड़ के, अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा आएगा तो कड़ा हो जाएगा। अब अपने मन पसंद का ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, और ये मैं पॉपी सीड ली हूँ, जिसको पुस्ता का दाना भी बोला जाता है। नारियल को मैं छील ली हूँ, छिल के थोड़ा सा काला काला नहीं दिखता, अच्छा दिखता है। अब इस तरह से बारीक काट लेंगे सब। अब नारियल को हम क्रश कर लेंगे, क्रश किया हुआ नारियल बहुत टेस्टी लगता है। अब 250 ग्राम मावा है, इस मावा को मैं घर में बनाई हूँ, घर का मावा है, 250 ग्राम मावा है। अब इसमें पैन में मैं 1 चम्मच घी डालूँगी, और इसमें पहले काजू, किशमिश, बादाम, ये सब डाल के, पहले ये हार्ड होता है थोड़ा सा, इसको भुनने में टाइम लगता है, इसको थोड़ा भून लूँगी। अब किशमिश डाल के भूनूँगी, किशमिश भी थोड़ा भुन गया है। अब ये नारियल जो क्रश करके रखी थी उसको भी डाल के भूनूँगी, और लास्ट में पॉपी सीड डाल के इसको मैं गैस बंद कर दूँगी, उतने में ही ये पक जाता है पोस्ता का दाना। अब इसको ठंडा होने दूँगी। अब इसी सेम पैन में हम ये खोए को भी, चाहे घर का खोया हो, चाहे मावा, चाहे बाजार का मावा हो, बनाने गुजिया बनाने से पहले थोड़ा सा उसको भून लेना चाहिए। ये घर का मावा है तो ये ऑलरेडी देखो घी छोड़ता है, इसलिए इसमें घी नहीं डाले हैं। अगर आपको सूखा मावा है तो आप 1 चम्मच घी डाल के तब भूनिए। अब इसको भी ठंडा कर लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट सब डाल दिए हैं। अब इसमें हम चीनी पीस के डालो, चाहे चीनी का भूरा डालो, जो तगाड़ भी बोलता है कोई कोई, हमें तगाड़ लिए हैं। अब 250 ग्राम मेरा खोया था, 150 ग्राम के अकॉर्डिंग मेरा ड्राई फ्रूट्स था। इसमें 75 ग्राम, 75 ग्राम हम तगाड़ डाले हैं चीनी का भूरा। चीनी का भूरा नहीं है तो आप पिसी चीनी डाल सकते हैं, खड़ी चीनी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और इलायची हम तोड़ के डाले हैं, कूट के नहीं डाले हैं, हम 3-4 इलायची ऐसी इस तरह खोल के डाल दिए हैं, और सारी सामग्री मिक्स कर लिए हैं। अब हम 3 कप मैदा लिए हैं, 3 कप मैदा में 3 चम्मच हम बड़े चम्मच से आयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, आयल भी डाल सकते हैं, और इसका टाइट डो लगा लेंगे। अब मेरा 5 मिनट के लिए ढक दिए थे, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गुजिया बना लेंगे। अब जितना बड़ा गुजिया अपना, जितना बड़ा छोटा बनाना है उस तरह से आप लोइया काट लीजिए, और पूरी की तरह बेलिए, ना ज़्यादा मोटा रहे ना ज़्यादा पतला रहे, पूरियों की तरह बेल के, हाथ से भी मोड़ सकते हैं आप, सांचे से भी मोड़ सकते हैं, हाथ से, कोई कोई हाथ से भी मोड़ता है, जिसके पास वो नहीं है, उसका मोल्ड नहीं है गुजिया बनाने का, वो हाथ से भी मोड़ सकता है, जैसे अभी मैं बताऊंगी। अब इसमें पूड़ियों पर फिलिंग रख के इस तरह से मोड़ लेंगे, और पहले हम सब दबा देंगे, चारों तरफ से दबा लेंगे ताकि खुले ना गुजिया। खुल जाएगा तो अगर तेल में डालेंगे तो पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। अब इस तरह से अच्छी तरह से कर लेंगे। अब इसे दबा के फिर ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे दबा के फिर ऐसे ऐसे लास्ट में ऐसे मोड़ेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं है तो। और भी गुजिया का डिज़ाइन है, मैं अभी नहीं बताऊँगी, दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अब इसमें हम ये मोल्ड में तेल लगा लिए, तेल लगा के अब इस पर ये पूरियाँ रख के इसको ऐसे दबा देंगे ताकि कितना इसमें ये फिलिंग आएगा। अब इसको फिलिंग को इसमें डाल देंगे, थोड़ा कमी डालेंगे क्योंकि पकते समय ये फूलता है, ये चीनी है, थोड़ी गलेगी तो फूलता है। अब इसको इस तरह से मोल्ड से दबा के कट कर लेंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इस तरह से खोल के निकाल लेंगे, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये, बहुत ही सुंदर लग रही है गुजिया। इस तरह से सारी गुजिया बनके तैयार हो गई है, अब फ्राई कर लेते हैं इसका। अब मैं तेल में तेल गरम करूँगी, तेल बहुत ज़्यादा गरम ना रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा रहे, और मीडियम लो पे हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज आंच पे फ्राई नहीं करेंगे। अब इस तरह से हम सारी गुजियों को डाल के पकाएंगे। अब इसको पक गया है, अब अलट पलट के दोनों तरफ से गुजिया पका लूँगी, ऐसे अलट पलट के। अब गुजिया पक गई है, अब
निकाल लेंगे। एक बार ज़रूर बनाइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर जो भी देख रहा है, अगर मेरी वीडियो देखे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या अच्छा लग रहा है इसमें, क्या कमी है हमको ज़रूर बताइएगा, और बनाइएगा थोड़ा ज़रूर। और अब इसी तरह से हम सारे गुछिया को फ्राई कर लेंगे। हम तेल कढ़ाई में कम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम दोबारा तेल यूज नहीं करते। देखिए गुछिया कितनी सुंदर लग रही है मोल्ड से बनाने पर। और ये मेरा थोड़ा सा बबलिंग आ रहा है ना, आँच थोड़ा सा कम रहता है तो बबलिंग नहीं आता है, बबलिंग का रीज़न ये भी होता है। अब सारी गुझिया तल गई है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी गुझिया कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।